सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जोग पानी, करूं प्रणाम जोड़ी जोग पानी। सीताराम सीताराम साधु जी सीताराम। और देखो कथा प्रारंभ हुई कि कथा के पूर्व में ही प्रारंभ के पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे बड़े ही प्रिय और हमारे गुरु जी जगतगुरु भगवान के बड़े ही प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी आप आ जाए हैं। जोर से बोलो, कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही चाहिए। और कब 3 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा। और आज कथा का आज तृतीय दिवस है और इस कथा के मुख्य यजमान बड़े ही लाडले बागेश्वर हनुमान जी के श्री जगदीश मुलिक जी आपने अद्भुत व्यवस्था की है जिसके परिणाम तहा यहाँ पुणे महाराष्ट्र में आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सनातनी जाग गए हों, अपने अपने घर से बाहर निकल कर आ गए हों। जय सियाराम। और आज कथा के विराम दिवस पर हमारे बड़े ही प्रिय हैं, गुरुजी के भी बड़े ही प्रिय हैं, जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार के यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी आप विद्यमान भय कथा में, आपको भी व्यासपीठ से खूब खूब साधुवाद है और सभी विराजमान श्रोताओं को भी श्री सीताराम। मेरे प्रिय साधको, हम लोग 3 दिवस से भगवत चर्चा कर रहे हैं। एक काम करते हैं, भगवत चर्चा प्रारंभ करो, 2 मिनट आपका उद्बोधन करा दीजिए, इसके बाद दो मिनट आप जरूर बोल दीजिएगा, आपका बहुत इंतजार कर रहे लोग। सीताराम, हम आज जो है सुबह से देहू भी गए थे, आपको बता दें हम देहू भी गए, संत श्री जगत गुरु तुकाराम महाराज जी को वहां पर प्रणाम करने गए थे। तो आप आई हैं तो हम तो यही कहेंगे जो पालकी चलती है पंडरपुर तक वो वाला काम आप जल्दी पूरा करवा दो। हमको बहुत प्रसन्नता हुई, आपका स्वभाव बड़ा सरल है और संतों के प्रति आपका स्वभाव भी बड़ा सरल है, भगवान करे आपको काहू की नजर ना लगे। और एक बार बहुत ताली बजाकर स्वागत करो। देखो भाई, लोगों को लगता होगा कि पता नहीं गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, सच बोलें तो हम उप मुख्यमंत्री जी को बहुत ही लाइक करते हैं क्योंकि ये हमारे गुरुजी से भी जुड़े हैं और संतों से भी बहुत जुड़े हैं। और जो राम का है हम इसलिए नहीं मानते कि ये मुख्यमंत्री हैं या ये किसी पार्टी के हैं, हम इसलिए मानते कि ये राम जी के हैं। जो राम का है वो हमारा है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, वो तो पूरी दुनिया का कुछ भी बन जाए, तो ये राम के हैं इसलिए हमारे हैं। और मुंबई तो हमारा घर ही है, तो वहां रहते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि 2 मिनट आप जरूर बोलें। जय सियाराम। बोलिए बागेश्वर बालाजी भगवान की,
सियापति राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज बहुत ही खुशी की बात है कि पंडित जी आज बागेश्वर धाम को लेकर आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हमारे पूना में पधारे हैं, तो मैं आप सभी की ओर से और पूरे महाराष्ट्र की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। जिस प्रकार से वे लगातार सनातन की सेवा कर रहे हैं और सोए हुए सनातनियों में अलख जगा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि पूरा देश जाग रहा है और भारत जागेगा तो दुनिया जागेगी। और आज वही चीज हम लोग देख रहे हैं, भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को एक नया इतिहास रचा जा रहा है और प्रभु श्री राम जी का मंदिर फिर उसी जगह पर तैयार हो रहा है जहां राम लला विराजमान थे। महाराज जी, आप जब सनातन की बात करते हैं तो हमारे यहां पर कई लोग दुष्प्रचार भी करते हैं, कहते हैं सनातन यानी केवल रूढ़िवाद, सनातन यानी जातिवाद। वो सनातन का मतलब नहीं समझते। सनातन का मतलब जो अनादि है और जो अनंत है वो सनातन है, और वो विचार भारत का विचार है, जो सबको जोड़ने वाला विचार है, जो सबको एक साथ बांधने वाला विचार है, जिसमें ना ऊंच है ना नीच है, हम सारे के सारे एक ईश्वर की संतान है। इस प्रकार का जो विचार है उस विचार को हमारे देश में प्रतिपादित करने का काम आज महाराज जी कर रहे हैं। और पूना के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि 3 दिवस का आपको सानिध्य मिला, आपको आशीर्वचन सुनने को मिले और विशेष रूप से प्रभु श्री राम जी की कथा आप तक पहुंची। जिसको प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने को मिलती है, मैं ऐसा मानता हूं कि उसका जीवन सफल होता है, और वो जीवन सफल करने का मौका आपको मिला। मैं फिर एक बार महाराज जी आपका बहुत बहुत दिल से मन से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक चीज का उल्लेख यहां करना चाहिए कि हमारे जगदीश मुळीक जी जिन्होंने इसका आयोजन किया, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जगदीश जी का, कि जगदीश जी ने स्वयं जाकर महाराज जी को निमंत्रण देकर यहां पर हनुमान जी की कथा आप तक पहुंचाने के लिए यहां पर बुलाया, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे चंद्रकांत दादा, हम सब लोग उनके निमंत्रण पर यहाँ आए और महाराज जी का दर्शन लिया, तो आपका दर्शन मिला लेकिन माध्यम तो ये बने, तो इनको भी धन्यवाद देना होगा, इसलिए जगदीश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।